और अभी आपको लाहौर लिए चलते हैं जहां वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं और ऑपरेटर्स वहां पर मौजूद नहीं थे और पेट्रोल भी नहीं था। बहरहाल पेट्रोल का जब इंतजाम था और जब ऑपरेटर्स पहुंचे तो रात पड़ चुकी थी और उस वक्त ये रिजवान साहब भी वहां पर आ चुके थे, मेरी वहां पर बाकी इंतजामी से भी हम रास्ते में थे। 6-8 घंटे में रहा तो घबरा तो अंदर जाएंगे तो बड़े खतरा हैं, पानी का भाव बड़ा तेज है तो हम जाते नहीं रात को, लेकिन आई मस्ट सल्यूट दम, इन्होंने खतरा मोल लिया, रिस्क लिया और रात के अंधेरे में रात के शायद 8 बजे या 9 बजे थे, 9 बज गए थे तो ये गए और मेरे सामने पहला जो कश्ती जो जिंदा जो वहां पर लोग थे उनको भर के लेके आए तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं आपको सलाम करता हूं। तो यह है कमिटमेंट, यह है वो जज्बा, वो है जज्बा मर मिटने का और दुखी इंसानियत को बचाने का, यह है वो स्पिरिट जो आज हमें अब्दुल सारी दीदी की याद दिलाती है कि अपने जो पोते को जो कि उस वक्त शरीर बीमार था उसको उन्होंने हवाले किया अपना कि मैं जा रहा हूं वहां पर सिंध के अंदर एक ट्रेन का बहुत बड़ा हादसा हो गया था और उसकी तरफ चले गए, यानी वो जो उनका अपना पोता था उनको वो छोड़कर वो उनकी तरफ चले गए जो वो उनके रिश्तेदार नहीं थे, हम मस्जिद थे, हम मस्जिद थे, पाकिस्तानी थे, मगर उन्होंने कहा कि होता अल्लाह के हवाले मैं जाऊं दिन के लिए, मैंने ये जिम्मेदारी उठा रखी है और वो चले गए। ट्रेन के हादसे में सैकड़ों लोग जख्मी हो गए थे, वहां जाके उनके लिए दिन रात वहां पर काम किया। तो वो अब्दुल साद की भी वो स्पिरिट मैं समझता हूं कि आप में है, इसमें और आप उसको आगे लेके आए। फिर वो आपने पढ़ा जो पिछले दिनों जो कराची में डेथ हो गई वो जमन खातून साहब, उन्होंने 60 साल उन्होंने कराची में गुजारे और वहां पर मखसूस जो एक तकलीफ है उनके लिए उसने उस खातून ने